नमस्कार, आज तक एआई के स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आखिर भारत का कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में दिग्गज चेतेश्वर पुजारा की जगह ले सकता है। भारतीय टेस्ट टीम में बदलाव का दौर चल रहा है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हार के बाद भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 12 जुलाई से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए कुछ नए चेहरों को चुना है। टेस्ट के बेहतरीन खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब टीम में ऐसे कई युवा हैं जो नंबर 3 की पोजीशन पर उनकी जगह लेने के लिए कतार में खड़े हैं। प्रतिभाशाली यशस्वी जायसवाल को वेस्ट इंडीज में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। जायसवाल के साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल के रूप में कुछ दूसरे विकल्प भी है। आइए एक नजर डालते हैं कि नंबर 3 पर पुजारा की जगह कौन ले सकता है। पहले नंबर पर है यशस्वी जायसवाल। अगर यशस्वी वेस्ट इंडीज में डेब्यू करते हैं तो यह उनके लिए कमाल का दौरा साबित हो सकता है। वह लड़का जो कभी गोलगप्पे के ठेले पर काम करता था और क्रिकेट का ख्वाब पूरा करने के लिए मुंबई के आजाद मैदान में टेंट में भी रहा। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल 2023 में बल्ले से सनसनीखेज प्रदर्शन के बाद 21 साल के जायसवाल इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के लिए पूरी तरह तैयार है। वह नंबर 3 पर पुजारा के सबसे बेहतर रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, भले ही दोनों के बल्लेबाजी अप्रोच में बहुत बड़ा अंतर हो। जहां पुजारा को विपक्षी गेंदबाजों को घंटों तक परेशान करने में मजा आता था, वहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज जायसवाल को गेंदबाजों का सामना करना और तेजी से रन बनाना पसंद है। मार्च में ईरानी कप मैच में मध्य प्रदेश के खिलाफ रेस्ट की ओर से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 213 और 144 रन बनाने के बाद वह टेस्ट टीम के दावेदार बन गए थे। उनका दबदबा ऐसा था कि उन्होंने 5 वनडे मुकाबले में 85 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 416 गेंदों पर रिकॉर्ड 357 रन बनाए। पिछले सीजन में रणजी ट्रॉफी में उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए 77 की स्ट्राइक रेट से 5 मैचों में 315 रन बनाए। जायसवाल ने 15 प्रथम श्रेणी मैचों में 80 के अविश्वसनीय औसत से 1845 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है। सलामी बल्लेबाज और तीसरे नंबर पर उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें वेस्ट इंडीज टेस्ट के लिए पुजारा की जगह लेने का बेहतर दावेदार बनाता है। हालांकि वेस्ट इंडीज में पहले जैसी ताकत नहीं है, खासकर बॉलिंग को लेकर, लेकिन ये जायसवाल जैसे खिलाड़ी को जांचने का सही मौका जरूर हो सकता है। दूसरे नंबर के दावेदार है ऋतुराज गायकवाड़। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज ऋतुराज के लिए ये खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में वो वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम से बाहर रहे हैं और अब उन्हें वेस्ट इंडीज टेस्ट के लिए चुना गया है, वो भी इसलिए क्योंकि सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज का महाराष्ट्र के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अच्छा रिकॉर्ड है। रणजी ट्रॉफी के पिछले सीजन में 26 वर्षीय खिलाड़ी ने 4 मैचों में 52 की औसत से 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 364 रन बनाए। वह घरेलू क्रिकेट में महाराष्ट्र और आईपीएल में सीएसके के सलामी बल्लेबाज हैं और टीम इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन नंबर 3 पर अपना दावा पुख्ता करने के लिए उनके पास निश्चित ही बेहतरीन तकनीक और अनुभव है। तीसरा नंबर है शुभमन गिल का। शुभमन ने पिछले 6-8 महीनों में सभी फॉर्मेट में खुद को साबित किया है, लेकिन WTC फाइनल में वो नाकाम रहे। पहली पारी में वो अपने गलत फैसले का शिकार हो गए। तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड की आने वाली गेंद पर उन्होंने कोई शॉट नहीं लगाया और 15 रन पर बोल्ड हो गए। दूसरी पारी में वो एक विवादास्पद कैच का शिकार हो गए। टेस्ट क्रिकेट में बल्ले से अपने बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद गिल को अभी भी अपनी छाप छोड़ना बाकी है। दिसंबर 2020 में डेब्यू के बाद से 16 टेस्ट मैचों में कुल 921 रनों में उनका औसत 32 से कम है। उनकी क्षमता पर निश्चित रूप से संदेह नहीं है, लेकिन नई गेंद का सामना करते समय उनकी तकनीक थोड़ी संदिग्ध लगती है, खासकर किसी दूसरे देश में। भारत भविष्य की ओर देख रहा है, ऐसे में गिल को नकार पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन उनकी काबिलियत को और बेहतर बनाने के लिए उन्हें नंबर 3 पर धकेला जा सकता है, जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में जायसवाल या गायकवाड़ को उनके मुताबिक पोजीशन पर खिलाया जा सकता है। गिल आईपीएल और लिमिटेड ओवरों के क्रिकेट में दिखा चुके हैं कि वो स्पिन को सही तरीके से खेलते हैं और वन डाउन पोजीशन में शिफ्ट होने पर भी आसानी से फिट हो सकते हैं। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।